हे व्हाट्स अप दोस्तों, कैसे हो सब लोग। और मैं ये भरोसा है मेरे अंदर कि आप अंदर से अच्छे हो। देखो, बाहर से बहुत लोग अच्छे होते हैं, लेकिन अंदर से अच्छा होना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक में वीडियो लाया हूँ, जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हो और टाइटल में देख चुके हो, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उन लोगों के लिए जो लोग ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है, जो लोग रिलेशनशिप में जाने के लिए सोच रहे हैं। आप हो सकते एक मैन हो, एक बॉय हो, आप हो सकते एक गर्ल हो, एक वुमेन हो, चाहे आप कोई भी हो। आज के ये 6 टिप्स, ये 6 सजेशन, ये 6 टिप्पणियां जो मैं इस वीडियो में स्पेशली आप लोगों के लिए लाया हूँ, ये आप सब अपने दिमाग में, दिल पे बिठा के रख दो। मैं ये बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करने के बाद लाया हूँ। बहुत इजी रिसर्च था एनीवे, उतना कुछ उखाड़ देने वाला कुछ नहीं है, बट मैंने जितना भी निकाला ये सच में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगा उन लोगों के लिए जो लोग रिलेशनशिप में हो, जो लोग रिलेशनशिप में जाने वाले हो या फिर जाने के लिए सोच रहे हो। सो हे, दिस इज शोविक और आप देख रहे हो मी3 यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज ऐसे ही मजेदार और इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाता रहता हूं आप सबके लिए, चाहे वो व्लॉग हो, चाहे वो ऐसा एंटरटेनमेंट हो, चाहे वो म्यूजिक हो। तो वो 6 टिप्पणियों में से पहला टिप्पणी जो है आपके लिए स्पेशली, जो लोग रिलेशनशिप में हो या फिर जाने वाले हो, जो हमें बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए, वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, और वो है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, आप लोग सोच रहे होंगे ना ये रिफ्लेक्शन क्या पॉइंट है। देखो, सिंपल बात, एक इंसान खुद को सबसे ज्यादा प्यार करता है, चाहे वो कितना भी नेगेटिव बात बोले खुद के बारे में, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी को वो चाहता है, किसी को वो इंपॉर्टेंस देता है, वो है खुद। खुद को प्यार करने के लिए ही वो एक ऑपोजिट किसी इंसान को ढूंढते हैं। तो हम किसी ना किसी तरीके से हमारा ही रिफ्लेक्शन को प्यार कर रहे हैं या फिर रिलेशन में जा रहे उस इंसान के साथ, जिसको देख के हमें लगता है कि यस, ही और शी इज परफेक्ट फॉर मी, या फिर पॉजिटिव एक फीलिंग आता है कि हाँ, उस इंसान से मेरा जीवन कटेगा। पहली बार मैं ऐसा कुछ टॉपिक ला रहा हूँ इस वीडियो में इतना ओपनली। मेरे से बड़े इंसान भी देख रहे होंगे, मेरे से छोटे इंसान भी देख रहे होंगे, तो अगर कुछ गलती हो जाता है मेरे वीडियो में तो मैं पहले ही माफी मांग लेता हूँ। लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमें हमेशा सुनना चाहिए, हमें पता रहना चाहिए। एक्चुअली अगर आप रिलेशनशिप में हो या फिर जाना चाहते हो, तो ये भूलना मना है कि हम हमारे ही एक रिफ्लेक्शन के साथ प्यार करते हैं या फिर एक रिफ्लेक्शन को ही हम चाहते हैं। वरना क्यों हम लोग अचानक से किसी के लिए फॉल कर जाते हैं, किसी के प्यार में डूब जाते हैं। देखो, पहली बात तो ये है कि डूबना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, हमें कॉशियस रहना है, हमें सब कुछ ध्यान में रखते हुए ही एक रिलेशन में जाना चाहिए। लेकिन इसके बीच में भी कुछ ऐसा पॉइंट्स रह जाते हैं जिसको अगर हम भूलें या फिर जिसको हम केयरफुल्ली ना समझे, तभी जाके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स वगैरह अराइज होते हैं। तो इसीलिए आज का ये वीडियो था, और पहला टॉपिक है कि रिफ्लेक्शन। समझो, समझने की कोशिश करो कि आप जिस इंसान के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हो, वो या फिर हो, वो आप ही का रिफ्लेक्शन है। यू कैन सी योरसेल्फ इन दैट पर्सन, दैट्स व्हाई यू आर लविंग सो मच। ओके, सो ये था पहला पॉइंट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बेसिक सा ही है, बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो एक कॉमन रीजन है मैक्सिमम लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम या फिर दरार या फिर ब्रेकअप्स या फिर बहुत कुछ, मतलब बिगड़ा हुआ रिलेशन के पीछे बहुत ज्यादा मायने रखता है ये रीजन। और ये है कि एक दूसरे को रोबोट समझना। यार देखो, आप एक इंसान हो, मैं भी एक इंसान हूँ, और आप जिसके साथ रिलेशनशिप में जाने का बारे में सोच रहे हो या फिर हो, याद रखना चाहिए कि ही और शी इज़ नॉट ए रोबोट। ओके, शायद ये मैंने भी कभी गलती किया, या फिर आप लोग हमेशा करते हो कि हम चाहते हैं कि हम जिसके साथ रिलेशनशिप में गए, जिसके साथ बॉन्डिंग, स्पेशल बॉन्डिंग बनाया है, वो हमारे ही इशारों पे नाचे या फिर हम जो चाहते हैं वो ही करे। ऐसा नहीं होता है। उनका लाइफ अलग है, आपका लाइफ अलग है, दोनों का पर्सनालिटी बहुत अलग है। और याद रखना, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर। ये एक, मतलब आप में से दोनों के अंदर कुछ डिफरेंस रहेगा तभी आप लोग एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हुए। ये एकदम बहुत ही जानने का विषय है एक्चुअली।
ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब यही पॉइंट को लेके बहुत सारे रिलेशन को मैंने टूटते हुए देखा, बहुत कुछ होता है। सो ये पॉइंट हमेशा दिमाग में रखना चाहिए और रिलेशनशिप में जाने से पहले ही याद कर लेना चाहिए कि देखो, हम जिसके साथ रिलेशन में जा रहे हैं वो भी एक इंसान है, उसका कोई अलग सा लाइफ था, तो अचानक से वो आपके हिसाब से नहीं चलना चाहिए ना। मतलब तब आपको मज़ा भी नहीं आएगा, धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा ना कि आप जो बोल रहे हो वो कर रही है या फिर कर रहा है, फिर धीरे धीरे आपको भी मज़ा नहीं आएगा उस रिलेशनशिप में। एक्साइटमेंट जो है ना वो नहीं रहेगा। एक्साइटमेंट अगर बनाए रखना है ना तो ऑपोजिट जो भी चीज़ है उन सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ, कुछ कुछ चीज़ बुरा आपको लग सकता है, बट उसको नेगेटिवली मत समझाओ कि तुम ऐसे नहीं कर सकते, तुमको ऐसे ही चलना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल मत करो यार, ये नेगेटिव बना देता है, पॉइजनस बना देता है एक सुंदर सा रिलेशनशिप। उनको उनके जैसा चलने दो, आप अपने जैसा चलो। और याद रखना, आप लोग शुरू में जब रिलेशन में आए थे या फिर जा रहे हो, तो आप वो जैसी है या फिर जैसा है और आप जैसे हो, उन दोनों के बीच में प्यार हुआ है, ना कि आप जब चेंज करके जैसे बनाओगे उसके साथ। समझ पा रहे हो ना? मैं पता नहीं, मैं थोड़ा डीप चला गया। सो सिंपल सा पॉइंट है, रोबोट की तरह कुछ भी मत करवाओ, करवाने की कोशिश भी मत करो। उनको उनके जैसा चलने दो, आपके जैसा चलो, ठीक है। तीसरा जो टिप्पणी है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मैंने बहुत देखा है, कुछ साल, कुछ महीना, कुछ वीक्स भी होने से पहले ही टूट जाता है, बिखर जाता है। उसके पीछे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रीज़न है जो मैं बोलने वाला, वो है फ्रीडम। यार देखो, एक इंसान के लाइफ में ना सबसे ज़्यादा, सबसे मतलब क्या बोलूँ, हाईएस्ट जो खुशी होता है वो फ्रीडम में होता है। हमें ये पता नहीं चलता। एक बच्चा जब खेलता है उसके फ्रीडम से, उसका अपने मर्जी से, उसको तब सबसे ज़्यादा खुशी होता है। जब उस पर दरार आ गया ना, लिमिटेशंस आ जाता है, वो बच्चा मूड ऑफ हो जाता है। हाँ, फिर भी मना लेता है खुद को, बट वो हो जाता है। सो एक बच्चे जैसे ही तो है हम लोग, हमारे सबके अंदर एक बच्चा है, और जब तक आप बच्चा जगाए रखोगे अपने अंदर का, तब तक आप हैप्पीएस्ट रह पाओगे, चाहे कुछ भी सिचुएशन हो। सिचुएशन हमेशा ख़राब नहीं रहता है, समय हमेशा सेम नहीं रहता है, वो चेंज होता है। लेकिन आप अगर एक बच्चे जैसा खुद को सोचो ना, मतलब फ्रीडम से जो बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, लाइफ बहुत ही आसान हो जाता है। तो यही पॉइंट आपके रिलेशनशिप में लगाओ, याद करो और फिर सोचने की कोशिश करो, मतलब ये फ्रीडम कितना स्पेशल चीज़ है। एक रिलेशनशिप में जितना ज़्यादा फ्रीडम होगा ना, उतना ज़्यादा एक्साइटमेंट रहेगा, उतना ज़्यादा प्यार रहेगा। आप खुद के बारे में एक बार सोच के देखो, फ्रीडम आपको जब मिल जाता है, आपको जब पहला फ्रीडम मिला था मोबाइल यूज़ करने का, आपको खुशी मिला। आपको जब छोटे में खेलने का फ्रीडम मिलता था, आप खुश रहते थे। आपको जब एक चॉकलेट दे के कोई बोलता था, ये पूरा तुम्हारा है, तुम खाओ इसको जैसे मर्जी, तब आपको खुशी मिला। तो आपके ऑपोजिट में जो है, बॉय या गर्ल जो भी है, उनको भी वही फ्रीडम पसंद है, ये कॉमन सेंस की बात है। सो शायद मैं भी ये कभी गलती किया, लेकिन अब नहीं करता। फ्रीडम इज़ द पीक, मतलब आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कह सकते हो, मोस्ट हाईएस्ट लेवल ऑफ हैप्पीनेस वो फ्रीडम है। एक और एग्जांपल देता हूँ, कोई आपको एक चॉकलेट देके एक लिमिट देता है कि आप सिर्फ इसको इतना तक खाओ, फिर ये रिटर्न करो या फिर कुछ करो, तो आपके दिमाग में एक चलता रहेगा कि थट इससे अच्छा है ना ही खाऊँ, उसको दे दूँ, है नहीं। तो सेम रिलेशनशिप में होता है, अगर आप फ्रीडम नहीं दोगे तो ये बहुत ही फेडअप हो जाएगा एक टाइम में। और अगर आपको कोई बोलता है कि ये लो आपके लिए एक चॉकलेट है, आप इसको जैसे मर्जी खाओ, तो आप क्या करोगे? तब उल्टा आपके दिमाग में आएगा कि नहीं, इसको थोड़ा रख रख के खाता हूँ, थोड़ा दे के खाता हूँ, थोड़ा शेयर करके खाता हूँ। आपको अलग सा खुशी मिलेगा और उस इंसान के साथ आपका बॉन्डिंग और भी गहरा हो जाएगा। ये फ्रीडम वाला पॉइंट बहुत लंबा कर दिया, इसके लिए सॉरी, लेकिन ये जानना ज़रूरी है हम सबको, ईच एंड एवरी वन नीड्स दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। चौथा जो पॉइंट है ना भाई, ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है पॉजिटिवनेस को लेके। देखो, एक अच्छा सा रिलेशनशिप होने के लिए पॉजिटिवनेस बहुत ज़रूरी है, वरना आप समझा ही नहीं पाओगे कि आप कितना केयर करते हो, कितना चाहते हो कि वो आपसे ना जाए कहीं पे, है ना। ये कॉमन सी बात है, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, ये होता है।
पॉजिटिवनेस आएगा और ये नहीं रहेगा, एब्सेंस, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ पॉजिटिवनेस इज ए डम्बेस्ट थिंग एवर। पॉजिटिवनेस होना चाहिए तभी एक रिलेशनशिप स्वीट बनता है, परफेक्ट बनता है। लेकिन ओवर पॉजिटिवनेस इज किलर फॉर दैट रिलेशनशिप। ओवर पॉजिटिवनेस आप अगर करोगे, आप रहोगे तो ये वैसा ही हो जाता है जो मैं फ्रीडम के बारे में बोला था, सेम चीज। आपको पॉजिटिव रहना है बट ओवर पॉजिटिव नहीं रहना है। अगर ब्लैंक मतलब जीरो पॉजिटिवनेस रहेगा तो वो रिलेशनशिप एक मतलब स्केलेटन से ज्यादा कुछ जाएगा ही नहीं। पांचवा मतलब सेकेंड लास्ट पॉइंट जो है वो है ट्रीट हर और हिम एज यू वॉन्ट टू बी ट्रीटेड। मतलब आप एक इंसान होने के नाते आप जैसे ट्रीट होना चाहते हो, यू शुड ट्रीट हिम और हर जस्ट लाइक दैट, सिंपल। आप सोच के देखो, आपको अगर कोई अटका के रख दे, फ्रीडम एस्केप करके रख दे, आपको लेके कोई ओवर पॉजिटिव हो जाए, आपको ये लिमिट वो लिमिट दे दे, आपको कैसा लगेगा? आपको कोई डिसरेस्पेक्ट करे, आपको कैसा लगेगा? अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा ना। सो राइट सेम, वो भी एक इंसान है, मैंने ऑलरेडी बोला, इंसान को जो जो पसंद है, मतलब आपको जो जो पसंद है, जैसा ट्रीट होना आपको पसंद है, यू शुड ट्रीट हिम और हर लाइक जस्ट लाइक दैट। उनको भी वैसे ही ट्रीट करो जैसा आप ट्रीट होना चाहते हो। रेस्पेक्ट दो, बहुत सारा रेस्पेक्ट दो, पब्लिक में रेस्पेक्ट दो, उनको क्या पसंद बातें करो, उनको लेके डिस्कशन करो, केयर करो, पॉजिटिव हो जाओ थोड़ा बहुत। अगर आप बिल्कुल पॉजिटिव जीरो पॉजिटिव वाला इंसान हो भाई, थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाओ, अच्छा होता है हेल्दी रिलेशनशिप के लिए। गुस्सा कंट्रोल करो। लास्ट पॉइंट जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो है सुनना, जो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ स्पेशली हर एक इंसान को, सुनो। डोंट हियर, ट्राई टू लिसन ईच अदर। लिसनिंग और हियरिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कभी इस टॉपिक को लेकर अलग वीडियो बनाऊंगा, मैंने एक स्क्रिप्ट बनाया अच्छे से लिख लिख के, वो मैं बताऊंगा आप सबको, डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ, भाई आप लोगों के साथ डिस्कस तो करना ही है सब कुछ। सो वही लिसनिंग और हियरिंग का डिफरेंस ये हमारे रिलेशनशिप में अगर लाके देखते हैं तो समझो, आप अगर किसी को कुछ बात बोलते हो कि आप ऐसा मत करो, इसमें ना आपको ऐसा ऐसा सूट करता है, पता है मेरे साथ क्या हुआ, ये वो, आप अगर ऐसे किया कि हाँ अच्छा ठीक है, हाँ आज कौन सा तारीख है, मतलब यू जस्ट हर्ड, आपने बस सुना, उसको गौर से नहीं सुना, उसको लिसनिंग नहीं किया, यू डिड नॉट लिसन टू हर और हिम। सुनना क्या होता है, ठीक से लिसन करना क्या होता है, मतलब वो जो बोल रही है या फिर बोल रहा है, आप उसको कान से लेके, दिल से लेके, दिमाग से लेके हर जगह पहुंचाओ, आप चुप रह के सुनो, फिर वो इंसान ऑटोमेटिकली आपके ऑपोजिट में जो है वो भी चुप रह के, शांत रह के आपका बात सुनेगा। ऐसे ही पहले थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है, डिसीशंस एक दूसरे का मिल नहीं सकता है, लेकिन धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में इट विल बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस, बहुत बढ़िया हो जाता है आप अगर एक दूसरे को सुनने का मौका दो, आप उनको अपने बात सुनने का मौका भी दो, उनको भी आपको मौका देना चाहिए उनको सुनने के लिए। सो दिस इज द फैक्ट है ना, ये बहुत ही सिंपल फैक्ट्स है जो हम कभी ना कभी एक नया रिलेशन में जाके या फिर जाने से पहले या फिर ख़त्म होने के बाद सोचते हैं, और जाने से पहले भी सोचना चाहिए, जाके भी सोचना चाहिए, जो हम लोग भूल जाते हैं, फिर हम लोग सिर पे हाथ रख के बोलते क्या हुआ ये रिलेशन का, कितना अच्छा रिलेशनशिप था, ये ब्रेकअप हो गया। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और आज मुझे इस मैटर पे बात करके बहुत ही अच्छा लग रहा है, बिकॉज देखते आ रहा हूँ बहुत सारा रिलेशन, जितना भी देखा, ज़्यादा नहीं बट जितना भी देखा, ऐसा होता है छोटे छोटे मैटर को लेके मतलब कुछ भी ब्रेकअप, सिंपल सॉल्यूशन ब्रेकअप। और एक बोनस पॉइंट, सॉल्यूशन डिस्कशन करो एक दूसरे के साथ, डिस्कशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके रिलेशनशिप में। सो यही था 6 बहुत ही महारथी वाला पॉइंट, anyway, जोक्स अपार्ट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था ये 6 बेसिक चीज़ें हैं, बट ये सब बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप आसपास देख के देखो, बहुत आपको दिखेगा कि ऐसा है वैसा है, लेकिन आप यूनिक बनो कैसे, ये 6 पॉइंट को याद रख के, दिल से समझ के। सो यही था 6 टिप्पणियाँ आप सबका रिलेशनशिप को एक हेल्दी रिलेशनशिप में बदलने के लिए। और कोई कोई ऐसा है मुझे इंस्टाग्राम में पोक करता है कि आप बियर बाइसेप्स को कॉपी करते हो, भाई देखो कंटेंट्स कभी कभी सेम हो ही सकता है, बट दैट इज़ नॉट द मैटर, कंटेंट
रणवीर भैया एक अलग टाइप से पेश करता है, मैं एक अलग टाइप से पेश करता हूँ। सेम टॉपिक्स आप यूट्यूब में ढूंढो, बहुत सारा मिल जाओगे। आप किन किन को बोल पाओगे भाई कॉपी किया? कॉपी तो भाई होता ही है, बिकॉज ये सब जो टॉपिक्स है ना, ये डेली लाइफ का टॉपिक्स है। सो हमेशा आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ओके? और वीडियो प्रोडक्शन का स्टाइल अगर थोड़ा बहुत भी मिल जाता है तो उस पर मेरा कोई गलती नहीं है, वो मेरा अचीवमेंट में बोल सकता हूँ। सो एनीवे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और जो लोग मेरा सपोर्टर हो, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। प्लीज सब्सक्राइब करो, शेयर करो मेरे वीडियोस को, सबके पास पहुंचाओ, बिकॉज मेरे स्टेट से मतलब त्रिपुरा से नंबर 1 इंफोटेनमेंट चैनल है मी 3 यूट्यूब चैनल। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक दबाओ, अगर पसंद ना आए तो प्राउडली डिसलाइक दबाओ, फिर भी कुछ दबाओ, ओके? और कमेंट में बताओ आपको कौन सा टॉपिक में वीडियोस चाहिए। और गाना बहुत सारा रिलीज होने वाला है, बहुत ही जल्द, बहुत बहुत जल्द रिलीज होने वाला है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, आप इंस्टाग्राम में फॉलो करना भूल जाते हो, @me3guy में आप जाके फॉलो करो। कोई भी सजेशन हो, कुछ भी हो, मुझे DM कर सकते हो, मेरे पिक्चर पे कमेंट कर सकते हो, मेरे स्टोरी में रिप्लाई कर सकते हो, मेरे YouTube वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, कुछ भी करो, लेकिन करो। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी 3 एंड या कीप स्माइलिंग, बी ओरिजिनल, लोगों का बात ज्यादा मत सुनो, खुद चलते रहो, मचाते रहो।